दिस इज मी सुखप्रीत वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू कॉट टिप्स। आज मैं आपके साथ एक DIY होममेड फेशियल स्क्रब शेयर करने वाली हूँ जो ड्राई स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है। ये ड्राई स्किन को इंस्टेंटली नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, स्किन को ब्राइटन करता है। इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं, ये डार्क सर्कल से भी फाइट करता है और रिंकल्स को भी कम करने में मदद करता है। तो बहुत ही अच्छा सा फेशियल है और बेस्ट बात ये है कि ये सिंगल इंग्रेडिएंट फेशियल स्क्रब है। एक ही इंग्रेडिएंट है जिसके साथ आप अपना फेस को स्क्रब कर सकते हैं और ये आपकी स्किन को मल्टीपल बेनिफिट्स देगा। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। आगे मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कैसे आप बना सकते हैं घर पर ही आसान तरीके से DIY फेशियल स्क्रब। एंड मैंने अभी फेस के ऊपर कोई भी मेकअप नहीं लगाया हुआ है एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन, मैं जब भी स्किन केयर का वीडियो करूँ तो बेयर फेस करूँ, बिना किसी मेकअप के करूँ, क्योंकि स्किन केयर का वीडियो कर रहे हैं तो उसमें मेकअप का क्या काम, राइट? सो मेरी कोशिश यही रहेगी सारी स्किन केयर वीडियोस आने वाले टाइम में मैं जितनी भी करूँ बिना किसी मेकअप के मेरे फेस के ऊपर ही वो वीडियोज आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी कोई मेकअप नहीं है तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सो जैसे मैंने कहा, ड्राई स्किन के लिए फेशियल DIY स्क्रब हम बनाने वाले हैं। सो हम इसके लिए यूज करेंगे अखरोट। अखरोट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिस जो खाने में जितना हेल्दी है, हमारी ब्रेन के लिए जितना हेल्दी है उतना ही हेल्दी हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए है। हेयर ग्रोथ में अखरोट का ऑयल काफ़ी हेल्पफुल होता है, हेयर फॉल को कंट्रोल भी करता है। तो आज हम फ्रेशली बनाएंगे अखरोट का फेशियल स्क्रब। इसके लिए आपको लेना है सिर्फ एक आधा टुकड़ा अखरोट का। इंस्टेंटली आपको ये फेशियल स्क्रब बनाना है जब भी आपको स्क्रब करना है अपने फेस को। आधा टुकड़ा स्क्रब आप अखरोट का लें, उसको आप पीस लें, मिक्सी में नहीं हाथ से अगर आप करेंगे तो बेटर रहेगा। आप चकला बेलन भी यूज़ कर सकते हैं उसको पीसने के लिए। जब आप अखरोट को थोड़ा सा क्रश करेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर से निकलेगा एक शाइनी लिक्विड, क्योंकि अखरोट रिच सोर्स होता है फैटी एसिड्स का। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं इसमें और इसमें होता है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत सारे विटामिन भी होते हैं, तो हर तरह से ये स्किन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो जैसे मैंने कहा, इतने अच्छे इंग्रेडिएंट है इसमें तो स्किन के लिए बेनिफिशियरी तो होगा ही, और क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है तो नेचुरली इसके अंदर से जो ऑयल है वो स्किन को इंस्टेंटली मॉइस्चर और नरिश कर देता है। तो जब आप इसको इसका पाउडर फॉर्म बना लेंगे, थोड़ा सा स्टिकी फॉर्म में रहेगा, उसके बाद आप इसको जेंटली अपने फेस के ऊपर स्क्रब करना स्टार्ट करें। इंस्टेंटली करना है आपको, जब भी आपको लगे कि आपको स्क्रब करना है। नाउ स्क्रबिंग कैसे करनी है, जेंटली आपको अपवर डायरेक्शन में करनी है। नोज़ के पार्ट का जो एरिया है वहाँ पे स्क्रब ज़रूर करें, लोअर चिन पार्ट पे, फोरहेड पे, इन एरियाज़ को अच्छी तरह से जेंटली स्क्रब करें। और जब आप स्क्रब करेंगे आप देखेंगे अखरोट के अंदर से ऑयल जो है वो ऑयल, नेचुरल ऑयल जो है वो निकल रहा है और वो इंस्टेंटली आपकी स्किन को, जैसे जैसे आप स्क्रब करते जाएंगे वो स्किन को स्मूदन आउट कर देगा। इस तरह का स्क्रब मार्केट में भी ढूंढना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि जेंटली स्क्रबिंग के बाद स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, लेकिन ये एक ऐसा स्क्रब है जो इंस्टेंटली फेस को स्क्रब भी करता है, डेड स्किन सेल्स को तो रिमूव करता ही करता है, साथ साथ स्किन को ब्राइटन करता है। तो किसी भी फेस्टिवल्स के से पहले आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आप इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे तो ये साइंस ऑफ एजिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। डार्क सर्कल्स में जब आप इसको स्क्रब कर रहे हैं फेस के ऊपर तो इसका जो ऑयल है उसको अंडर आई एरिया पे भी इस तरह से मसाज कर लें, और इसका जो ऑयल है 1 से 2-3 मिनट तक आप इसको स्क्रब करें, जितनी देर तक आपका मन करे, क्योंकि इसके जो ग्रैनुल्स हैं बहुत ही जेंटल हैं, बिल्कुल भी हार्श नहीं लगेंगे आपको। और अगर आपको हार्श लगे तो आप थोड़ा सा इसमें ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं। सब फेस के ऊपर अच्छी तरह से स्क्रब कर लेने के बाद जितने भी स्क्रब पार्टिकल्स हैं फेस के ऊपर उनको आप डस्ट ऑफ कर दें, चेहरे को धोए ना। सो बेस्ट टाइम इसको करने का है कि इवनिंग के टाइम पे करें, ऑयल जो है वो फेस के ऊपर रहने दें, उसके बाद आप इसको ओवरनाइट फेस पे रहने दें और मॉर्निंग तक आपकी स्किन और भी ज़्यादा ब्राइटन हो जाएगी, फेशियल जैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे हम एक्सपेंसिव फेशियल कराते हैं जिसमें 40-45 मिनट्स लग जाते हैं, कुछ वैसा ही रिजल्ट, क्योंकि ये तो 2 मिनट का प्रोसेस है। तो थोड़ा बहुत जो स्किन के अंदर नेचुरल ग्लो है इंस्टेंटली वो ये अखरोट का स्क्रब आपको देगा। बहुत ही बेनिफिशियरी है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। इतना अच्छा और इतना इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला इंग्रेडिएंट आपको हार्डली कोई और मिलेगा। सो डेफिनेटली अगर आपकी ड्राई स्किन है और आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ट्राई करना चाहती हैं, एक बार ये वाला DIY होममेड अखरोट का स्क्रब जो है, वॉलनट स्क्रब जो है, इसको ट्राई ज़रूर करें। और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं कि आपको ये DIY कैसा लगा। ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको कैसा रिजल्ट मिला है। सो गर्ल्स, बस ये था आज का वीडियो जिसमें आपके साथ मैंने एक सिंपल सा DIY होममेड फेशियल स्क्रब शेयर किया है। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा। आई सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम।